अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एबी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको घर बैठे ऑनलाइन टिकट खरीदने का तरीका कार बताने जा रहा हूं, और वो तरीका जिसमें आपको अभी इन दिनों में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री की एयर टिकट ख़रीदते हैं, वो अगर 1,00,000 रुपये की है तो आपको 20,000 रुपये उस पर डिस्काउंट मिलेगा, और वो आपको 1,00,000 वाली टिकट यानी कि 80,000 में मिलेगी। ये आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा और आपने कैसे ये टिकट परचेज़ करनी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीक़ाकार डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से या कंप्यूटर पीसी से, लैपटॉप से, किसी पे भी आप लॉगिन हो जाएं, आपने ये वेबसाइट आप देख लें, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो कि PIA की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपने लॉगिन कर लेना है, ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद ये आपको अटेंशन प्लीज़ कर रहा है, यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपने जो भी सफरी मामलात हैं, यानी कि आपने PCR टेस्ट करवाना है, कोरोना टेस्ट कराना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए इन पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये PIA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपने इसमें नीचे आ जाना है, आपने यहाँ से टिकट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने कौन से मुल्क जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी टिकट परचेज करनी है। यहाँ अगर रिटर्न जाइए तो रिटर्न पर सेलेक्ट कर लें, अगर वन वे है तो वन वे कर लें, अगर मल्टी सिटी है तो मल्टी सिटी कर दें। हम करेंगे वन वे। हम मिसाल के तौर पे कह देते हैं जी लाहौर, यहाँ से लिख देते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट से हम जाना चाहते हैं, तो लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाहौर से हम जाना कहाँ चाहते हैं जी, यहाँ आप जिस कंट्री में जाना चाहें आप वहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे हम कर देते हैं मिसाल के तौर पे शारजा कर देते हैं, हम शारजा सेलेक्ट कर दें। ये शारजा सेलेक्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, फाइंड फ्लाइट्स, ये नीचे अगर आप यहाँ पे कैबिन चेंज करना चाहें, यानी कि इकानमी की बजाय कोई और लेना चाहें, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने पैसेंजर सेलेक्ट करने होते हैं, यानी कि आपको कितने टिकट्स चाहिए। अडल्ट यानी कि एक आपको चाहिए, चाइल्ड यानी 2 से 11 साल का कोई बच्चा आपके साथ है तो वो सिलेक्ट कर लें, और अगर 1 दिन से लेकर 23 माह तक का कोई बच्चा आपके साथ है तो वो भी सिलेक्ट कर दें। हम क्या करेंगे, सिंगल डन पे क्लिक कर देते हैं, फाइंड फ्लाइट्स कर देते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि डिपार्चर डेट यहाँ आप सिलेक्ट कर लें, तो हम ऊपर से डिपार्चर डेट भी सिलेक्ट करेंगे, जो कि मैं मोबाइल पर लॉग इन हूँ इसलिए सही से नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने गौर नहीं किया। तो आप जिन दिनों में जाना चाहते हैं उन दिनों की आप यहां पे डेट सेलेक्ट कर दें, तो यहां आप फाइंड फ्लाइट्स कर दें। फाइंड फ्लाइट करने के बाद जो हमने डेट सेलेक्ट की है उस दिन में जो जो फ्लाइट्स जा रही होंगी PIA की, ज़ाहिर है हमने PIA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है इसलिए PIA की सिर्फ आपको चेक होकर मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये कह रहा है जी 15 को 9 फ्लाइट्स, यानी कि मैंने 15 डेट लिखी थी, 15 को कोई फ्लाइट नहीं। ये आगे पीछे की डेट्स आप देख सकते हैं, 14 की भी है, 16 की भी है, आगे फ्राइडे 17 को कोई फ्लाइट नहीं। हम कोई भी यानी कि यहाँ से डेट चेंज करके देख लेते हैं, हम ये 16 वाली चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने 16 वाली अगर हमको फ़्लाइट चाहिए तो ये हमारे पास इसकी डिटेल आ चुकी है। यहाँ आपने क्या करना है जी, ये वाया कराची है, अगर ये चाहिए तो ये ले लें, अगर नहीं तो आप मज़ीद डेट चेंज कर कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस इसका बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने क्या करना है जी, इसकी प्राइस है 79,140 रुपये। आपने क्या करना है जी, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद चंद सेकंड लेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ आपको क्या कह रहा है जी, लॉग इन कर लें अपनी पैसेंजर की इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको टिकट चाहिए उस बंदे की इंफॉर्मेशन यहाँ आपने एंटर करनी है। यहाँ आप जेंडर कर दें, जेंडर मेल कर दें, फीमेल है तो फीमेल कर दें। यहाँ आप टाइटल सेलेक्ट कर दें, अगर डॉक्टर हैं, मिस हैं, मिसिज हैं, मिस्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं तो आप यहाँ से कर दें। यहाँ आप अपना नाम लिखें, नाम लिख लेने के बाद
यहाँ सरनेम लिखें। सरनेम लिखने के बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। आप मैं वैसे जल्दी जल्दी में कोई भी कर देता हूँ, लेकिन आपने यहाँ कोई भी एंट्री गलत नहीं करनी। सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी एग्जैक्ट ही देनी है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देने के बाद अदर सर्विसेज आपको अगर ज़रूरत है, ब्लाइंड पैसेंजर हैं या कोई इस तरह का कोई मसला है, कोई मेडिकल केस है, तो आप कर दें, वरना छोड़ दें इसे। अवार्ड प्लस मेंबर आईडी, इसे भी आप छोड़ दें। इसके बाद आप आ जाएं नीचे। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ आपने चेक लगा देना है। चेक लगा लेने के बाद आप इसको रीड भी कर सकते हैं। इससे आपको एक और ये फ़ायदा देने वाले हैं, जो ARY का सहूलत वॉलेट है गोल्ड रिवॉर्ड, उसके साथ भी ये आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, आपका नाम, आपका नंबर। वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ विन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं। जो मामलात हम चेक कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस भी लिखना है, जो भी आपका सही ईमेल एड्रेस है आपने वही एंटर करना है। अच्छा जी, ईमेल मैंने अपना सेलेक्ट कर दिया और ये हमें कह रहा है प्लीज़ रिव्यू दीज एरियाज टू कंटिन्यू, नेशनैलिटी मस्ट बी फिल्ड, यानी कि ये एक मैं ऊपर छोड़ आया था। यहाँ आपने अपनी नेशनैलिटी भी इंटर कर देनी है। नेशनैलिटी इंटर कर देने के बाद आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक करें तो ये एक दो चीज़ें रह चुकी हैं, पासपोर्ट इशू, लोकेशन, यानी कि पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने इसमें इंटर करनी है, जो कि मैं ऊपर छोड़ आया था। तो चले मैं ये भी इंटर करके आपको नेक्स्ट भी बता देता हूँ। यहाँ आपने अपने अपना रेजिडेंस यानी कि अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। ये सारा कुछ लिख के फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, मैंने अपनी पासपोर्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर कर दी हैं। अब हम दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और ये हमारा मोबाइल नंबर रह चुका है, वो हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर भी इंटर करना होता है। मोबाइल नंबर हम इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर इंटर कर लेने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, उसके बाद ये चंद सेकंड लेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अच्छा जी, ये सारा प्रोसेस कर लेने के बाद आप यहाँ से कोई एडिशनल सर्विस ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपनी सीट सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि जो सीट आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। इसलिए आपने यहाँ से कोई भी सीट सिलेक्ट नहीं करनी। ये हैं जी सीटें जो आप अपनी मर्ज़ी से अगर सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करें जी, नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक कर लेते हैं। हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करें कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेने के बाद अब आपने अगला जो प्रोसेस है वो यहाँ से पेमेंट का करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड, कोई भी बात आपको याद रहे आप क्रेडिट कार्ड इंटर करें या डेबिट कार्ड इंटर करें, आपका कार्ड अगर HBL का है तब ही आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, इसके बगैर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन इंटर कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन इंटर की है तो हमें ये क्या कह रहा है, वी हैव एन ऑफ़र फॉर यू। क्या कह रहा है ये आप नीचे आप पढ़ सकते हैं। आपको ये 20% यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ से 20% डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं या आप बग़ैर डिस्काउंट के ही अपनी टिकट अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। डिस्काउंट अप्लाई कर लेने के बाद आपने यहाँ से मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन इंटर कर लेनी है। तमाम तार इंफॉर्मेशन इंटर कर लेने के बाद आपने क्या करना है जी, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड जनरल रूल्स एंड कंडीशंस एंड आई हैव रीड एक्सेप्टेड PIA क्रेडिट कार्ड परचेज पॉलिसी। आपने यहाँ दोनों पे चेक लगा के जो लास्ट प्रोसेस है, जो लास्ट गेम है, आपने बाय टिकट पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं इस पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ना ही मेरा कोई वीज़ा है और ना ही मैं कहीं जाना चाहता हूँ, ना ही मैंने कोई टिकट बुक करनी है। सारा मकसद आपको समझाना था कि आप जो बैरून मुल्क या किसी भी मुल्क के अंदर ही सफ़र करना चाहते हैं
तो आप ये कैसे टिकट खरीदेंगे जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको अगर बता दूं तो ये आप देख सकते हैं आपकी टिकट कितने की थी, 79,000 की। साथ टैक्स देख लें आप, 10,050 रुपये टैक्स था और टोटल डिस्काउंट आपको ये मिला है 13,818 रुपये। ये इसका 20% डिस्काउंट बनता है। आप इसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते, यानी कि 79,000 की टिकट, 10,000 टैक्स, 79,000 हो गया। इसका 20% लें तो ये 13,000 आपको डिस्काउंट मिल गया है। अब आपने 65,322 रुपये यहाँ आपने पे करने हैं। जब आप बाय टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में से, आपके कार्ड में से ये कट हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। आई होप आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। आप खुद इजीली टिकट भी खरीद सकते हैं और इजाफी 20% डिस्काउंट के साथ टिकट खरीद सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।